उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्यों ने जगह जगह महंगाई और गैस सिलेंडर पर बढ़ते दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर मुरादाबाद जिलाधिकारी द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। मुरादाबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष खुर्शीद असलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम कांग्रेस कार्यकर्ता मांग करते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार राजस्थान व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में घरेलू गैस के मूल्य में कमी किए जाने की घोषणा की गई है, इसी तरह राज्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी तत्काल गैस सिलेंडर के मूल्य कम किए जाने की घोषणा की जानी चाहिए, अन्यथा भाजपा की यह घोषणा एक जुमलाबाजी साबित होगी। भाजपा सरकार विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी करती है, लेकिन अपने किसी भी वादे पर खड़ा नहीं उतरती। इस समय पूरा देश भयंकर महामारी से जूझ रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ रसोई गैस का है, जो 950 रुपए का आता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में इसे 450 व छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का उपलब्ध कराए जाने की चुनावी घोषणा की है। ये घोषणा उन राज्यों में भी लागू की जाए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घोषणा करके जन भावनाओं से खिलवाड़ किए जाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार साबित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के आह्वान पर जिला और महानगर कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों पर है। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि अभी पूर्व में चुनाव हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर। इन्होंने झूठे वादे किए, जुमलेबाजी की बात की है कि इन्होंने हम 450 का सिलेंडर देंगे। जब मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं दिया सिलेंडर? अभी 5 साल से ये सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं दिया सिलेंडर? तो पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों पर ये निर्देश हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कि ये 450 का सिलेंडर हमें भी दिया जाए, उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। जब केंद्र में उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार है, यहाँ मौजूद है केंद्र में उत्तर प्रदेश में, तो क्या परेशानी है इनको 450 का सिलेंडर करने की? तो इसके इस संबंध में हमने आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया और जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यह ज्ञापन दिया गया है।